हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एवन बायोलॉजी में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम एनिमेलिया एंड इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ऑल फाइलम विच आर रिलेट टू नॉन कॉर्डेट्स विच मीन्स दोज एनिमल्स विच डोंट हैव नोटोकॉर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फाइलम हेमीकॉर्डेटा। हेमीकॉर्डेटा, हेमी मीन्स हाफ एंड कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट्स। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हाफ कॉर्डेट्स बोला गया है। इनिशियली इन एनिमल्स को प्लेस किया गया था फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्योंकि साइंटिस्ट को लगता था कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन बाद में जब डिस्कवरी हुई, रिसर्च हुई, तो पता चला कि इसके अंदर नोटोकॉर्ड ना होकर के एक नोटोकॉर्ड जैसी स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। बिकॉज नोटोकॉर्ड जो है वो डेवलप होती है मीजोडर्म से, बट यहां पर जो इसमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड थी वो डेवलप हो रही थी कहां से? एक्टोडर्म से। तो ये स्टोमोकॉर्ड एक्टोडर्मल होती है, तो इसके लिए बाद में एक स्पेसिफिक फाइलम में इनको प्लेस किया गया, फाइलम हेमीकॉर्डेटा। इन फाइलम हेमीकॉर्डेटा को एक्वॉर्म वर्म्स या टंग वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अगर हम बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनका हैबिट और हैबिटेट, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरिन। ये सारे के सारे क्या है? मैरिन है। एंड They have the organ level system of organization. Germ layer की बात करें तो तीनों germ layers इसके अंदर present हैं. That's why they are triploblastic, coelom, then they are eucoelomate. Body plan इनका होता है tube within tube body plan, symmetry, bilateral, segmentation is absent and notochord is also absent. Notochord की जगह क्या होती है? Stomochord present होती है. तो बहुत छोटा सा phylum है। जैसे इकाइनोडर्मेटा में जो हमने डिस्कस किए थे करेक्टरिस्टिक्स इसके, वही यहाँ पर आपको जनरली देखने को मिल रहे हैं। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होता है और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है। बिकॉज ये सारे के सारे मरीन है तो रेस्पिरेशन इनमें होगा गिल्स के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका, इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इसके अगर एक्सक्रीशन की हम बात करें तो एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिक ग्लैंड होती है विच आर नोन एज द प्रोबोसिस ग्लैंड। तो इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ऊपर वाला प्रोबोसिस, ये बीच वाला कोलर और लास्ट पार्ट इज नोन एज द ट्रंक। तो इसकी बॉडी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। तो ये प्रोबोसिस जो है यहाँ पर स्पेसिफिक ग्लैंड इस रीजन में होती है विच आर नीड फॉर एक्सक्रीशन। नर्वस सिस्टम इसका थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है, इसमें दो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होंगी बट वो नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड की तरह नहीं होंगी। नोटोकॉर्ड में क्या था? सॉलिड टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड थी, वेंट्रल साइड पर टू सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थी आपका यू कॉर्डेटा के अंदर, लेकिन आपका जो है नॉन कॉर्डेट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो आपका हेमी कॉर्डेटा है, नर्व कॉर्ड इसमें भी दो होंगे लेकिन